हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम वर्षस। तो गाइस, वैजी पाजी का कमाल वीडियो लेकर आए हैं, 11 बेस्ट ब्रेकफास्ट इन दिल्ली इंडिया। भाई आज हम 11 बेस्ट ब्रेकफास्ट देखेंगे दिल्ली के, राजधानी भारत की जो है दिल्ली उसके। तो देखने लगे यार दिल्ली का स्ट्रीट फूड किस किस का फेवरेट है बताना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। 11 भाई हम भी देखेंगे। 11 के अब कौन कौन से ब्रेकफास्ट है जो सबसे ज्यादा फेमस है, काउंट करते हैं एंड स्टार्ट। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और बेस्ट ऑफ वेजी बाजी के इस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं हम लोग 11 वो चीजें जो आपको दिल्ली में नाश्ते में मिस नहीं करनी चाहिए। लिस्ट तो बहुत लंबी थी, बहुत मुश्किल से ये चुनिंदा चीजें चूज करी हैं जो नाश्ते में दिल्ली के हो या दिल्ली कभी आ रहे हो तो इन एरियाज में जाके ये चीजें जरूर खाना। सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट बताइएगा। देखो वैसे छोले कुलचे जो है वो एक लंच वाली चीज दिल्ली में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, बट लोटन जी की जितनी दीवानगी है ना छोले कुलचे की वो अलग ही है। लोग सुबह 7 बजे यहाँ पे नाश्ते के लिए आते हैं, क्योंकि भाई साहब पुराने जमाने में तो ये 10-11 बजे तक तो बंद कर देते। गाइस आइए टेस्ट करते हैं 10 स्पेशल वाले छोले कुलचे। यार जैसे ये बता रहे थे ना महावीर जी, भाई दिल्ली में सब लोग देते हैं मटरा, या फिर द राइट वे टू से दिल्ली में सब लोग देते हैं छोले के साथ भटूरे, और ये देते हैं छोले के साथ कुलचे। जो गरम गरम इनके छोले कुलचे खाने का मजा रहा, अदरक के लच्छे डालते हैं, धनिया डालते हैं, छोले में पड़ता है आमचूर की चटनी, और जो तरी होती है ना, मैं बहुत स्पाइसी खाता हूँ पर मैं भी इनको बोलता हूँ मीडियम, क्योंकि ये तरी इतनी तीखी होती है ना, दिन खोल देती है, आपकी नींद खोल देती है। एंड साथ में जस्ट गेट दिस, ये जो छोले कुलचे है ना उसका पानी है, एक मक्खन लेते हैं, वो छोटा वाला मक्खन टिक्की होते ना, आधा इसमें डाला आधा इसमें डाला, जैसे आपने पीछे देखा था। हैंड अप, चीयर्स करेंगे। जो टेस्ट है यहीं पे खाने में मजा है। ये भाई खाने हैं भारत के, भाई दिल्ली के खाने की बात हो रही है और पराठों का जिक्र ना हो ये कैसे हो सकता है भाई, पंजाबियों के स्पेशल पराठे। और पंडित जी अशोक विहार पे अगर आके खाओगे तो आपको आलू भी वैसे ही डला हुआ मिलता है जैसे पंजाबियाँ दिल खोल के डालते हैं ना। भाई इनके पराठे अगर आप एक बार खा लोगे ना, आपको और कोई तवा पराठा पसंद नहीं आएगा। पराठे आ गए, चाय आ गई है, मक्खन आ गया। भाई ये चीज करने में मजा आता है ना, मक्खन डाल के ना ये मसाला चिपक जाता है, इतना टेस्टी लगता है ना इसके साथ में, निकल जाता है। देखो है ना कमाल की, थोड़ा सा मक्खन के साथ, और इनके पराठों की जो स्पेशलिटी लगती है ना, जो दो तवे यूज करते हैं ना, पहले तवे पे तो नॉर्मल पराठे बनते हैं जैसे सारे पराठे बनते हैं, अब ये तंदूरी पराठे नहीं है तवे पराठे हैं, पर ये आपको कहीं से तवे पराठे वाली वाइब्स नहीं देते, बिकॉज दीज आर सैचुरेटेड। तो भले आप एक ही बाइट लो ना, इसके आलू एकदम खिले खिले रहते हैं ना, और जो वो जो सैचुरेटेड फील आती है ना, मजा आ रहा भाई मजा। चलते किसी और जगह पे। दिल्ली के बारे में जब बंदा सोचता है छोले भटूरे आते हैं, और छोले भटूरे के बारे में जब सोचते हैं तो सीताराम दीवानचंद सबसे ऊपर नाम निकल के आता है। इनके छोले एकदम मखमली से होते हैं, और जो भटूरे होते हैं वो तवे पे सेक के देते हैं, एक अलग ही टेक्सचर होता है और दिल्ली वाले इसको बहुत पसंद करते हैं। आइए दिखाता हूँ मैं आपको क्या है, प्लेट ले लिया मैंने, ये है हमारे छोले मखमली से, इतने बेहतरीन से छोले, मतलब छोले तो है हर जगह के खासियत दिल्ली में, पर भटूरे जो अंदर देखो इनके जो कामत पूरी है, तो भाई साहब ये जो चीज है ना देख लो, एकदम ऐसे लग रहा है कि आधे घंटे बाद इस भटूरे को खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये भटूरे ही हेल्दी होते हैं, तवे पे सेके होते हैं तो इनके जो अंदर ना लाइटनेस होती है, वो जो फ्राई करने के बाद जो चीज में जो एकदम भारी बन आता है ना वो इसमें नहीं होता। यहाँ पे हम लोगों ने आमले का अचार लिया इनका फिक्स करके, ₹40 के लस्सी का ग्लास थोड़ा सा मैंने पी लिया था, और यहाँ पे ₹55 के छोले भटूरे, 9 बजे सुबह लग जाती है, शाम को 6 बजे तक रहती है। अगर आप यहाँ पे आ नहीं सकते बाड़गंज में, ट्रैफिक इतना होता है, तो आप पैक करवा लो, साइड में इनकी पैकिंग वाली दुकान है, टेक अवे ले लो, स्विगी जोमेटो से डिलीवर करा लो, या तो अगर आप US इंग्लैंड में हो, विलायत में भी छोले भटूरे जाते हैं इनके, इतने मशहूर है। लस्सी एकदम बढ़िया है, टेस्टी है, थोड़ी सी पतली है बट भटूरे से चलता है, लस्सी और छोले भटूरे का कॉम्बिनेशन एकदम डेडली है एक पंजाबी के लिए। चलिए मैं इसको खत्म करता हूँ अब, और आपसे मिलता हूँ दूसरी जगह पे।
अमृतसरी कुलचा कॉर्नर विकासपुरी में। देखो आटे के तो कुलचे निकालते ही हैं, ये खासियत है इनकी। बाकी इनके मैदे के कुलचे में भी तरह तरह की वैरायटी है, पिज्जा विज्जा ये वो, बट इनका जो रेगुलर बढ़िया वाला जो आलू का कुलचा है अमृतसरी स्टाइल में आया है, इनकी चटनी एकदम खट्टी अमृतसरी वाली और साथ में इनकी गुलकंद वाली लस्सी। थोड़ा सा हमारा अच्छा, ये मैंगो वाली, मैंगो लस्सी और ये रेनबो फ्लेवर लग रहा है। अच्छा पान के साथ पिंक भी है। अच्छा गुलकंद है जो कि आपको पान के अंदर मिलता है। अच्छा तो मिक्स कर लो, ये मिक्स ही करना है। बड़ा मॉडर्न है ऑनर को भाई, मेरी वाली तो बहुत तेज है। पहली बार एकदम ऐसा पान वाला फ्लेवर दिमाग रजिस्टर नहीं कर पा रहा, पर ये सही है। मैंगो अच्छी लगी ज्यादा नहीं, मेरे को पान अच्छी लगी। छोले के साथ खाते हैं, जैसे ये बताए भी देते हैं अमृतसरी छोले जो होते हैं ना, हाँ। कुलचों वाले छोले बहुत माइल्ड स्पाइसी होते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी वाले हमारे कुलचे। इसका सारा मजा इसके खस्तापन में है, बेसिकली जो पैटी वाला टेक्सचर है ना। मुझे चीज वाले में ना, एक तो ये पूरा ऐसे ऊपर से चीज की तरह है ना, ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है। हाँ फीलिंग भी जस्ट, ये देखो सेंटर में चीज का पूरा बबल बना हुआ है, बहुत बढ़िया भाई। पढ़िए ना, हैवी है, इसको आओ खाओ इंजॉय करो और सिंगल पीस लो और ढेर हो जाओ, और उसके बाद पान कुल्फी तो पैक करा के लेके जाओ। आफ्टर टेस्ट में जो पान का फ्लेवर आ रहा है ना, वो सौंफ का, गुलकंद का, और उसका खिला खिला फ्लेवर, मतलब आपकी ये मील हो गई और ये आपका मुखवास हो गया। दिल्ली वाले लोगों से एक इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत सारी जगह है बढ़िया खाना खाने की, आप सजेस्ट करो आपके हिसाब से टॉप 5 चीजें कमेंट सेक्शन में दिल्ली में ब्रेकफास्ट खाने की। और पहली बार आए हो वीडियो पे, अच्छी लग रही है अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, हमारी हेल्प होती है। पीछे शादरा का जिक्र कर रहा था ना, एक और बढ़िया नाश्ते की जगह जो सबसे यूनिक है इस पूरी वीडियो में, वो है जैन छास। फ्रेश सुबह मक्खन निकलता है, ब्रेड में डाल के देते हैं, इतना फ्रेश मक्खन मसाले के साथ या फिर चीनी के साथ खाओ, ये ब्रेकफास्ट आपको नहीं मिलेगा और कहीं भी। मैं भी से बोल रहा हूँ आपको, आइए मेरा फेवरेट मसाला वाला, बहुत कमाल होगा। मैं भी से बोल रहा हूँ आपको यार, पर इसका ना मजा जो है ना खास के साथ आएगा, बहुत सिंपल सा फ्लेवर है आपको लेना। इट्स ऑल अबाउट द मक्खन, और वो मक्खन ही क्या जो मुंह पे ना लगे, वो फ्रेश वाला ना, स्वाद एकदम फ्रेश वाला। कहाँ मिलेगा ये? शादरा में बाबूराम स्कूल के बगल में, अर्चना जी देती है। मजा आ गया आपका मक्खन खा के ना, कहने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ मक्खन है ब्रेड के अंदर डाला हुआ है, पर बंदा खाता है ना एकदम तरोताजा हो जाता है। इसके साथ अब आपको कुछ बढ़िया खिलाएं, क्या खिलाऊं अब? चीनी वाला, मतलब ये खाओ स्टार्टर और ये आपका डेजर्ट, यहीं पे स्टार्टर मेन को डेजर्ट होगा। अगर दिल्ली के खाने की बात हो रही है और पुरानी दिल्ली का जिक्र नहीं हो रहा तो वो वीडियो अधूरी है। जान है दिल्ली के नाश्ते की, वो है बेड़मी पूड़ी, और यहाँ पे शाम स्वीट्स में चावड़ी बाजार में ये चीज नागौरी के साथ में देते हैं, जो एक छोटा गोलगप्पे जैसा होता है, सूजी का साथ में उसके हलवा मिलता है, लोग दूर दूर से आते हैं इसको खाने के लिए, मजा है इसका भी। ये देखो आलू की सब्जी, आपको बोल रहा था ना थोड़ी तीखी रहती है, इसमें आई डोंट नो इफ यू कैन सी मिर्च दिख रही है। आप जब संडे को आओगे ना तो एक सब्जी और बढ़ जाती है, आलू छोले कद्दू, बहुत बढ़िया एकदम चटपटा खाना। ये इसको ऐसे पंचर करेंगे, नागौड़ी का एक बाइट लिया नॉर्मल, क्यों हलवा क्या होता है ज्यादा मीठा नहीं होता। अब इसको ना बैलेंस करेंगे आलू की सब्जी के साथ चटपटी, आप एक बार खा के देखना इसे। हाँ हाँ यार, मतलब अंदाज चेक करो खाने का, ऐसा खाना मिलता रहे तो दिन बन जाता है, बस एक ही दिक्कत है ऐसा खाना अगर रोज खाओ तो टेढ़ भी बढ़ जाती है, तो इसलिए हफ्ते में एक बार खाओ, पर जब खाओ मन से खाओ, है ना, तब ये नहीं सोच रहा क्या है क्या नहीं है, एंजॉय करो। दिल्ली वालों के छोले भटूरे के ना अलग अलग अड्डे हैं, मतलब एक दिल्ली की अलग ही वीडियो बन सकती है बेस्ट छोले भटूरे की। रोहिणी के छोले भटूरे ये गोपाल जी के मुझे बहुत पसंद है, मतलब इस लिस्ट में 3 छोले भटूरे हैं, आप समझ सकते हो कि बेस्ट ब्रेकफास्ट की बात हो रही है और 3 छोले भटूरे का जिक्र हो रहा है तो ये कितने ही इम्पोर्टेंट होंगे।
एकदम गाढ़े गाढ़े छोले भर भर के इसके अंदर ना मसाले डाले हुए, इतना प्यारा जीरे का टेस्ट, चटनी इनकी बड़ी कमाल लगती है। हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ी सी चटनी लेते हैं और वो छोले पे डाल देते हैं। ये भी बड़ा मस्त कॉम्बिनेशन बनता है। और यहाँ पे भटूरा इनका, वो भी ना एकदम पनीर वाला भटूरा, ये होते हैं पनीर वाले, असली पनीर वाले भटूरे। देखो पनीर एकदम मस्त, धनिया डाला हुआ है इसके अंदर, आपको ये देखो मेथी दाना भी दिखेगा। सर्दियों के टाइम में गाजर का चार नहीं खाया तो क्या खाया। तो फटाफट इस पे ना अटैक करते हैं। ओए होए, नजारे वाली जो बाइट होती है ना छोले भटूरे की, गाढ़े गाढ़े मसाले, और उसके साथ एक पंजाबी अगर आओ तो, अगर आपने ये नहीं लिया ना छोले भटूरे के साथ तो पाप करता है, सही बता रहा हूँ। इसका कोई टेस्ट टेस्ट नहीं है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हटा रखी है मैंने चीजें। इसको खा के जैसे मैंने आपको बताया मोटापा बढ़ा मैंने, मखमली से छोले, बढ़िया से पनीर वाले, धनिया वाले, मेथी दाने वाले भटूरे, और गाड़ी गाड़ी लस्सी जिसका प्लास्टिक की पैकिंग मेरे को पसंद नहीं है। छोले भटूरे खाना होता है, गाढ़े गाढ़े छोले। अब चलते हैं दिल्ली से बाहर, लोगों को ना इसके बारे में इतना पता नहीं है, बट शाहदरा जो है ना वो एक खाने की मतलब जिसे कहते हैं ना खजाना है। यहाँ पे हीरा स्वीट्स पे आप ढक्कन कचौड़ी इसको लोग बोलते हैं वो खाओ, और इनकी बालूशाही साथ में लो, हीरा हलवाई एंड सन्स की बालूशाही नाश्ते की जान है, जान है। ये क्या लग रहा है, बड़ा गोलगप्पा? ओ भाई गर्मा गर्म सुबह सुबह ये देख रहे हो, छोले देख रहे हो आप, कलर देख रहे हो छोलों का। जगह का नाम है हीरा कचौड़ी वाले, और बगल में हीरा स्वीट्स की बालूशाही की दुकान, और दोनों एक बराबर। आप आइए छोटा बाजार में, यहीं से स्टार्ट होती है, बड़ा मजा आएगा आपको। छोटा बाजार भाई शाहदरा जो है ना एकदम जैसे कहो चांदनी चौक का छोटा भाई है, और खाना वहाँ पे जोरदार एक से बढ़कर एक मिलता है, और खाना खिलाने वाले लोग बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसी ऐसी दिल्ली में कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली से ये खाए बिना दिल्ली से बाहर मत जाना, वरना दिल्ली आना मत, ऐसी चीजें हैं ये। गाइस गरम गरम बालूशाही आ गई भाई, स्पेशली फॉर अस, मजेदार। ये पकड़ो मेरी तो है। चलो खाई लेते हैं इसको, इसकी वेट नहीं करनी। चीयर्स 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 बालूशाही, चीयर्स बालूशाही, चीयर्स। ओए होए होए होए, कौन कौन आ रहा भाई? पारस जी मजा आ गए, मजा गरम का मजा ही अलग है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू जी। अरे ओके जी, दिल्ली के नाश्ते की जब बात हो रही है ना तो कमला नगर का नाम आना जरूरी है। दिल्ली 6 है, चांदनी चौक वो तो आपने मूवीज में देखा होगा, दिल्ली 7 है कमला नगर, यूनिवर्सिटी एरिया है, और एक और बढ़िया नाश्ते की जगह है बिल्ले दी हट्टी। इनके छोले पूरी थोड़े माइल्ड मसालों के साथ होते हैं, जो लोग कम स्पाइसी खाते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पूरा पैकेज बना के साथ में देते हैं, और साथ में लस्सी का ग्लास ले लो ना भाई, स्वाद है जिंदगी का। सूजी वाली पिट्ठी भरी हुई पूड़ी, कमाल की। लेट्स हैव द बाइट। यहाँ पे मेरे को यहाँ के ओनर से बात करते हुए पता चला कि लूची जो है यहाँ पे ऑल ईयर लॉन्ग नहीं मिलती, सिर्फ ओकेजन पे मिलती है। छोले और पूड़ी पे फोकस करेंगे, साथ में हलवा हम लोगों ने पहले ही डलवा के रख लिया कि हलवे को देखते देखते एपेटाइट और बढ़ती रहे। हलवा पूड़ी हमें इसको बोलते हैं पाकिस्तान में, अलग अंदाज में है कॉम्बिनेशन ना, छोले पूड़ी मेथी की चटनी प्याज, ऐसे पटाखे बजते हैं ना मुंह में जाके, और ये इनका हलवा भाई साहब, दिस इज ना कमला नगर वाला ब्रेकफास्ट। रजौरी गार्डन में अगर किसी से पूछोगे ना नाश्ता खाना है बढ़िया सा और एक जगह बैठ के खाना है तो सब प्रेम दी हट्टी का नाम बोलते हैं। ये येलो कलर का बोर्ड जो है मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। वेस्ट दिल्ली के लोग बहुत 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 पसंद करते हैं इनका खाना। हमारा सारा खाना लग के तैयार हो चुका है मेरे पास। अच्छा भाई आपके पास है पूरी, मेरे पास है भटूरा। आपकी पूरी 10 बजे तक रहेगी और मेरा भटूरा पूरे दिन रहेगा। ये कुल्लड़ वाली लस्सी पे बाद में दिखाएंगे भाई, आपके छोले और मेरे छोलों में फर्क है। ये देखो मेरे वाले थोड़े ड्राई मतलब सेमी ड्राई हैं, आपके पूरे ग्रेवी टाइप के हैं, और थोड़ा आपके में ना प्याज लहसुन का तड़का लगा हुआ, ये वाले बिना अनियन गार्लिक के हैं। माइल्ड छोले भटूरे में अगर छोले कुलचे वाली फीलिंग आ रही है ना तो मजा है उसमें।
इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मैं कहता हूँ मजे दे दिए, क्या 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 नाश्ते हैं यार। पहले आप बताओ आपके सिटी में जिस सिटी में रहते हो कौन से रहते हो ये बताओ, और उधर के फेमस जो आपको सबसे बेस्ट किस्म का नाश्ता लगता है बताना, ब्रेकफास्ट अपने सिटी का नाम बताना, ताकि हम उनके भी नाश्ते ब्रेकफास्ट लंच ये सब कुछ लेकर आए। बिल्कुल यार मजा आ जाता है। मेरी तो हालत खराब हो गई है यार। मैंने एक बात नोट की है, इंडिया में छोले भटूरे कुलचे इसकी बहुत ज्यादा है, सुबह के टाइम ये बहुत ज्यादा बिकता है यार। सही बात है यार। और इंडिया के खाने भाई दुनिया ऐसी दीवानी नहीं है, ऐसा टेस्ट आपको वेज के अंदर मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं हमारे लोग जो कहते हैं ना नॉन वेज पाकिस्तानियों को वेज बनाना नहीं आता, इंडिया से अगर सीख लेना नॉन वेज पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में छोले जो होते हैं ना वो ऐसे लगता है शोरबा टाइप, जिस तरह पानी नहीं होता, इतने गड़े यार मैं क्या बताऊँ, ऐसे छोले मैंने नहीं देखे यार। इंडिया में स्पेशली दिल्ली वाले ऐसे छोले बनाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो गाइस टोटली मजा आया, कैसा लगा कमेंट बताना, फेवरेट इनमें नाश्ता कौन सा बताना अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।